फिल्म जगत में चंद्रदेव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बालिका वधू, लुका छिपी सहित तमाम सी रोलों में अपनी बेजोर अभिनय प्रतिभा को दर्शाया है। आज हम फिल्म संगम चैनल में उनसे जब विस्तृत बातचीत करने वाले हैं कि उनका करियर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। चैतन्य जी, मुझे बताएं कि अब तक जो आप करियर रहा है उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे हैं? देखिए, मेरा करियर जो है वो पिछले 15 से कम से कम 20 साल मेरे ख्याल से हो चुके हैं मुझे इंडस्ट्री में। और शुरुआत मैंने की थी कुछ थिएटर से, और थिएटर के बाद फिर टेलीविज़न की तरफ मेरे कदम बढ़े, और टेलीविज़न ने मुझे काफ़ी काम दिया है। और टर्निंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो एक शो था बालिका वधू, जो आप सभी को पता हो, कलर्स पे था, और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर तक उसकी प्रसिद्धि पहुंची और लोगों को पसंद आया। वो एक शो था जिसने मेरे करियर को काफ़ी कुछ एक नया आयाम दिया, एक नया प्लेटफॉर्म दिया, और उससे काफ़ी इज्जत और काफ़ी नाम मैंने कमाया, और आज भी टेलीविज़न में कर रहा हूँ और लोग प्यार दे रहे हैं। हम आपकी पुराने सीरियल बालिका वधू की बात करें, जिसमें बालिका वधू आया था जी, उस वक्त जो समस्या थी वो बहुत विकराल थी, रिस्पांस आपको लोगों से मिला था जो आज तक आपको याद हो? देखिए, उसमें जो सब्जेक्ट हमने लिया था कि बालिका वधू यानी कि बच्चों का विवाह जो होने की प्रथा है, जो हमारे देश में मेरे ख्याल से हजारों सालों से चलती आ रही है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं गांव में जहाँ ये सब होता है और छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती है, जो कि वो वयस्क होने से पहले, एडल्ट होने से पहले उनकी शादी हो जाती है। तो ये उस समय जब ये सब्जेक्ट आया था तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट था, आज भी है हालांकि, और लेकिन इस शो के आने के बाद लोगों में इस समस्या, इस कहना चाहिए इस मुद्दे को लेके एक जागरूकता पैदा हुई थी। लोगों को पता चला था कि देखो हमारे देश में आज भी ये होता है, और उस कहानी के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर बच्चों का विवाह कर दिया जाए जबकि वो नासमझ होते हैं, जिनको शादी के, ब्याह के, रिश्तों के मायने नहीं पता होते हैं, तो अगर उनकी शादी एक इमेच्योर एज में कर दी जाए तो उसके बड़े होने के बाद क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके उनकी ज़िंदगी पे किस तरह का इमोशनली, फिजिकली, सोशली क्या उनके माइंड पर, उनके बिहेवियर पर असर पड़ता है, ये सारी बातें जो दिखाई गई थी उससे लोगों को, मुझे लगता है कि लोगों को सीख मिली होगी, समझ आया होगा कि ये जो बाल विवाह की प्रथा है ये सही नहीं है। और मुझे प्रतिक्रियाएं तो बहुत अच्छी मिली लोगों से, और जहाँ तक हमारे परफॉर्मेंस का सवाल है, हमारे कहानी का सवाल है, लोगों ने हाथों हाथ लिया, मतलब जहाँ जाते थे, मतलब चाहे वो किसी तबके का आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा कोई सी किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है, या कोई एक घर में काम करने वाली हाउसवाइफ है, सबको इक्वल लेवल पे ये शो पसंद आया था, क्योंकि उसमें भावनाएं बहुत बहुत अच्छे और सच्चे तरीके से पेश की गई थी हर किरदार की। और जी, बालिका वधू से कलर्स चैनल इस्टेब्लिश हो गया था, बहुत ही पॉपुलर सीरियल था जी। इस सीरियल से आपके करियर में क्या परिवर्तन आए? देखिए, परिवर्तन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी शो ने मुझे एक मुकाम दिया। उससे पहले भी मैं शोज कर रहा था, लोगों को पसंद आ रहे थे, इंडिविजुअली मेरा काम पसंद आता था, लेकिन क्या होता है जब आप एक शो करते हैं और पूरा शो जब आपका हिट होता है तो उससे आपकी एक अलग पहचान बनती है, और उसमें एक आपके जैसे कहना चाहिए कि फेदर, अ न्यू, अ बिग फेदर इन योर कैप, वैसा मुझे महसूस हुआ। उसके बाद एक लोगों का देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है कि यार आपने बालिका वधू किया है, बालिका वधू के एक्टर हैं, तो आपके टैलेंट की थोड़ी सी ज़्यादा कदर होने लगती है, मेरा ख्याल है। चलिए, आज हम आज इस सीरियल की बात कर लेते हैं, दंगल टीवी का जो सीरियल है रंग जाऊं तेरे रंग में, इस सीरियल से आपका जुड़ना कैसे हुआ और आपने क्यों हामी भरी, किस खास बात ने आपको इंस्पायर किया? देखिए, इस शो में जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जो किरदार दिया गया है वो एक बहुत ही प्यारी सी दो नन्ही मुन्नी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं ना क्या, मतलब यंग लड़कियाँ हैं, और बहुत ही समझदार, बहुत ही सुशील लड़कियाँ हैं, उनका बाप हूँ मैं, और एक किसान का रोल है ये, हालांकि इससे पहले भी बालिका वधू में मैंने किसान ही प्ले किया था, बट ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा इसका एक डायमेंशन थोड़ा अलग है। जहाँ की बालिका वधू में तो ऐसा था कि वो अपनी बच्ची का विवाह कर देना चाहता था, क्योंकि उनकी प्रथा ऐसी थी कि बच्चियों का विवाह कर देना चाहिए ताकि एक जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाएं, आपको आप अपनी ड्यूटी पूरी कर दें, बच्ची को शादी कर दें, विदा कर दें, ये एक सोच थी उस कैरेक्टर की, खजान सिंह की, जो बालिका वधू में था। लेकिन ये जो सुरेंद्र चौबे है रंग जाऊं तेरे रंग में का,
इसका थोड़ा सा विचार अलग है। वो ये मानता है कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उनको बड़ा होने देना चाहिए, उनको एडल्ट हो जाना चाहिए, और पढ़ने लिखने के बाद वो इस लायक बने कि अपनी जिंदगी अपने पैरों पे खड़े होकर गुजार सके। और फिर वो एज अ फादर चाहता भी है कि ये नहीं कि काम कर रही तो उनका घर न बसे, वो चाहता है कि उनका घर बसे, एक अच्छे घर में शादी हो जाए जहाँ वो सुख से रह सकें, पर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ और एक इंडिपेंडेंट अपने आइडेंटिटी बना करके फिर शादी करें। तो ये थोड़ा सा फर्क है किरदार, और यही डायमेंशन जो था मुझे अच्छा लगा कि एक सिंपल बाप नहीं कि बस शादी कर देना चाहता है और खुश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं था। तो इसलिए कई सीन्स जाते हैं पीछे जहाँ वो वकालत करता है अपनी बेटी की कि भाई इसे पढ़ने देना चाहिए, नौकरी करने देना चाहिए, वो चाहता है कि इंडिपेंडेंट रहे उसकी बेटी, जो कि एक प्रोग्रेसिव चीज़ है। तो ये प्रोग्रेसिव फार्मर दिखाया गया जो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसे हाँ कहा। यार सुरेंद्र चौबे को परिभाषित करना हो तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? एक सीधा साधा किसान है और जो मेहनत की खाता है और बहुत ही जैसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसे कमा रहा है, एक मध्यम वर्गीय किसान माना जाता है। और दो बेटियां हैं जो समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, उस जमाने को समझती हैं, वक्त को समझती हैं, और ये भी थोड़ा पढ़ा लिखा है, एंड जिसे कहना चाहिए कि अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंस दे रखी है उसने। वो रूढ़ीवादी व्यवस्था में नहीं रखा हुआ कि बांध के रखा हुआ है कि घर में रहो, चूल्हा चौका करो, वो सब नहीं है। तो ये एक प्रोग्रेसिव किसान है। तो क्या यह माना जाए कि इसमें नारी सशक्तिकरण का एक मुद्दा है जो आपके किरदार से उभर कर आ रहा है? देखिए, नारी सशक्तिकरण की बात तो इसमें डेफिनेटली है, लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं जिनके साथ जो इमोशनल मुद्दे हैं उनको भी इसमें उजागर किया गया है। किस तरीके से घर की इज्जत को बनाए रखना, किस तरीके से बेटियों को इतनी इंडिपेंडेंस देना, इतनी समझ देना कि किस तरह वो अपने परिवार की इज्जत को बना के रख सकें दूसरे घर में जाकर, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आज की जो युवा पीढ़ी के बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो आपका सीरियल देख रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगा कि आप हमारे देश का बहुत उज्जवल भविष्य हैं और उसमें आप इक्वल भागीदार हैं, और आपको पढ़ना लिखना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने घरों को जोड़ के रखना भी सीखना चाहिए, और अपने घरों में एक परस्पर प्यार और इज्जत की भावना, बड़ों की इज्जत, छोटों को प्यार जिसे बोलते हैं। पढ़ने लिखने का मतलब ये भी नहीं कि आप अपने एम्बिशन में या अपने जिसे कहना चाहिए कि जीवन की दौड़ में आप इंडिपेंडेंट होने के चलते आप अपने संस्कारों को भूलें। संस्कारों की अपनी जगह है, और आपके इंडिपेंडेंट होने की, आपके अपने पैरों पर खड़े होने की, पढ़ने लिखने की अपनी एक अलग अहमियत है। जब आपने खजान सिंह का किरदार निभाया था उसमें देश के किसानों के जो हालात थे, और अब आप जब सुरेंद्र चौबे जी का किरदार निभा रहे हैं उस वक्त जो किसानों के हालात बदले हैं, क्या उनके संबंध में आपको जानकारी है या आप कभी ऐसे लोगों से आपकी मुलाकातें हुई हैं? नहीं, किसानों से जहाँ तक सवाल है मेरी एज सच डायरेक्ट कोई ऐसी मुलाकात नहीं हो पाई, बट हाँ मैं सुनता रहता हूँ उनके बारे में, पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि किस तरह से किसान काम कर रहे हैं हमारे देश के, उनको क्या व्यवस्था दी जा रही है, क्या उनको मदद की जा रही है, या किस तरह से वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से खेती बाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है फ़र्क तो पड़ा है डेफिनेटली इतने कई सालों में। जिस तरह से किसान पहले जीते थे, आई थिंक उससे उनका जीने का स्तर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। आपने रंगमंच से शुरुआत की, काफ़ी प्लेस वगैरह किए हैं, और अब टीवी कर रहे हैं, दोनों में आपने क्या फ़र्क महसूस किया, और क्या अब रंगमंच की याद आती है? रंगमंच की याद तो डेफिनेटली आती है, लेकिन अभी आजकल टेलीविजन में इतना व्यस्त हूँ कि समय नहीं मिल पाता, एक तो सच बात अगर आप कहें तो करने का। लेकिन जहाँ तक फर्क का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क है कलाकार एक कलाकार के लिए, क्योंकि मीडियम अलग अलग है लेकिन भावनाएं वही रहती हैं। आप जब कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उसमें जो एक पर्टिकुलर इमोशंस हैं, जो एक ग्राफ होता है उसका, वो वही होता है मोर ऑर लेस। थोड़ा सा टेक्निकल फर्क ये है कि आप थिएटर में एक वन शॉट या वन टेक परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं वो हो रही होती है, वहाँ आपके पास रीटेक का चांस नहीं होता है, जबकि हमारे इस मीडियम में आप रीटेक कर करके अलग अलग टुकड़ों में उसको शूट करते हैं, बट उनका ग्राफ वही होता है। इमोशंस की जो जर्नी है वो ज़्यादातर वही रहती है, जो आपको यहाँ टुकड़ों में जीनी होती है वहाँ पे आपको एक फ्लो में करना होता है। दोनों का अपना अलग अलग मज़ा है।
पिछले 20 वर्षों में टीवी में बहुत कुछ बदलाव आया है। पहले जिस ढंग से सीरियल बना करते थे, आज की तारीख में उस ढंग के सीरियल ना के बराबर बन रहे हैं। ये सारा देख के आपको क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, या लगता है कि टीवी में कुछ और सुधार चाहिए या नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं का मतलब तो ऐसे कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के जैसे वक्त बदलता है, लोगों की वैल्यूज बदलती हैं, लोगों का सोच बदलती है, तो उस सब के चलते ही हमारे जो कहानियों के सब्जेक्ट्स हैं वो भी बदलते हैं। एक ज़माने में शोले फिल्म बनी थी या फिर दूसरी पुरानी फिल्में बनी थी कई, तो उस समय की जो वैल्यूज थी, उस समय की जो मान्यताएं, उस समय लोगों की सोच, जो हमारा सोशो कल्चर एनवायरमेंट रहा, उसके मुताबिक राइटर्स लिखा करते थे, फिर डायरेक्टर्स उसको डायरेक्ट किया करते थे। अब आज के ज़माने जो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और इतना कुछ आगे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, मीडिया इतना बढ़ चुका है, तो ये सारी चीज़ों को देख करके, और लड़कियों में इंडिपेंडेंस पहले से कहीं ज़्यादा है, पहले लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है, तो इन सब सामाजिक बदलावों के साथ, आर्थिक बदलावों के साथ 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 कहानियाँ भी बदलती गई, और आज भी अच्छी कहानियाँ बनती हैं, ऐसी बात नहीं, पर वही है, अपने अपने ज़माने के अलग अलग कहानियाँ हैं। चलिए, अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, और लोग कह रहे हैं कि जो कहानियाँ पहले कभी टीवी में बना करती थी, अब वो OTT पर आने लगी हैं, क्या इसका असर कुछ टीवी पर होगा? देखिए, ये दो अलग अलग मीडियम्स हैं। OTT जो है बहुत ही कमाल का मीडियम निकला है, इंटरनेट पे जो आप देखते हैं, ऑनलाइन शोज देखते हैं, तो इन शोज का क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रिएटिव लिबर्टी मिलती है, मतलब क्रिएटर्स जो हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उन्हें ज़्यादा बांध के नहीं रखा गया है उसमें उनको आज़ादी है अपनी, किसे बोलते हैं कि क्रिएटिविटी दिखाने की एक आज़ादी होती है, वहाँ आपका क्या थॉट प्रोसेस है आप उसको एकदम पारदर्शी तरीके से दिखा सकते हैं बिना किसी सेंसरशिप के और उसके। और टेलीविजन जो है वो थोड़ा सा एक लिमिटेड माध्यम है, जहाँ एक जिसे कहते हैं कि एक फ्रेम बना के दिया गया है कि आपको इसी फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, जहाँ बहुत सी कुछ मुद्दों को बड़े जिसे बेबाकी से नहीं उठा सकते, जो कि OTT पे आप उठा सकते हैं, और यहाँ तक कि फिल्मों में भी नहीं उठा पाते हैं क्योंकि सेंसर बोर्ड है वहाँ पे। लेकिन हमारे OTT ने काफ़ी कुछ मौका दिया नए आर्टिस्टों को, नए टैलेंट्स को बहुत मौका दिया उसमें, जहाँ वो अपने कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेकर के आते हैं जो आज तक कभी नहीं सुने गए, देखे गए, वहाँ आपको देखने को मिलता है। आप कुछ करने की सोच रहे हैं OTT पर? जी, सोच क्या रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ, अगर कोई मुझे अच्छा मौका देगा तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली काम करूँगा OTT पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।